Hello you all and welcome back to Gyan Manthan. Today we will discuss the next 10 idiom phrases, which will start from letter C. And in this series we will discuss 10 questions, 10 phrases. So let's have a look our today's 10 phrases. The first one is cat among the pigeons. That means parishani ya bhai ka karan. The next one is cat and dog life. That means jhagde se bhara jeevan. The next one, catch red handed. Catch red handed means range hathu pakadna. Next, catch 22. Catch 22 ka matlab विकट परिस्थिति जिसमें विकल्पों पर अमल करना मुश्किल हो. The next one, change colors. Change colors means nervous हो जाना. Next, chapter and verse. Chapter and verse का मतलब पूर्ण विवरण. Next, chase rainbows. Chase rainbows का मतलब असंभव काम करने की कोशिश करना. Next, chick by jowl. Chick by jowl means काफी नजदीक या सटकर. Next one, chew the cud. Chew the cud means ध्यानपूर्वक या गहराई से विचार करना. And the last one, child's play. Child's play means आसान कार्य. Let's discuss the trick that we have made for these 10 phrases. Have a look. Our first phrases for today, cat among the pigeons. That means parishani ya bhai ka karan. Before proceeding to the further videos, I would like to request you all, please subscribe our channel and share these videos. So let's discuss our today's phrase, cat among the pigeons. That means parishani ya bhai ka karan. अगर एक बिल्ली को बहुत सारे कबूतर घेर के खड़े हों, वो बिल्ली आसानी से डर जाएगी, क्योंकि कोई भी कबूतर उस पे, anyone can attack on him. So let's proceed to our next question, next phrase. Cat and dog life, that means झगड़े से भरा जीवन. If your life is like a cat and dog, अगर आपकी जिंदगी कुत्ते और बिल्ली के जैसा है, तो उनकी जिंदगी आप देख पाते होंगे सड़क पर, वो अक्सर झगड़ा करते ही मिलते हैं. तो कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स वेरी इजी टू लर्न, झगड़े से भरा जीवन. नेक्स्ट फ्रेज इज कैच रेड हैंडेड. दैट मीन्स रंगे हाथों पकड़ना. कैच रेड हैंडेड, कैच मीन्स पकड़ना, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों. ये बहुत आसान शब्द है, आप पिक्चर देख पा रहे होंगे. कैच 22, कैच 22 का मतलब होता है विकट परिस्थिति जिसमें विकल्पों पर अमल करना मुश्किल हो. हार्ड सिचुएशन वेयर द गिवन ऑप्शन इज डिफिकल्ट टू चूज वन ऑफ देम. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर. अ मैन इज वेरी इन अ मिजरेबल कंडीशन एंड ही हैज टू चूज वन ऑफ 22 इन गिवन नंबर्स. यहाँ पे सारे नंबर जितने भी दिए हुए उसमें से उसे एक 22 चुनना है. बट आप गौर कर पा रहे होंगे इसमें 22 बहुत सारा है. यहाँ पे एक, यहाँ पे 22 है, फिर एक इस जगह पे 22 है और एक यहाँ पे 22 है. तो उसको एक ही 22 चुनना है. अब वो मेजरेबल कंडीशन में है, मुश्किल में है कि कौन सा 22 को चुना जाए. तो कैच 22 आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि विकट परिस्थिति ऐसा हो जिसमें विकल्पों पर अमल करना मुश्किल है. नेक्स्ट फ्रेज इज चेंज कलर्स. चेंज कलर्स का मतलब होता है नर्वस हो जाना. मान लीजिए आप घर से तो निकले लाल बनकर, मीन्स पूरे खुश होकर, चेहरे पर लाली थी, आपका चेहरा लाल था, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकले किसी ऐसे घटना को देखकर, कोई इंसिडेंट हुआ ऐसा जिससे आपका चेहरा नीला पड़ गया. नीला पड़ जाने का मतलब आप बहुत ही ज़्यादा शॉक में चले गए, तो लाल से हो गए नीला. तो चेंज कलर्स इसी सेंस में बना है ये फ्रेज, कि नर्वस हो जाना, कुछ ऐसा कारण हो जाना आपके साथ कि आप नर्वस हो जाते हैं. अगर मीनिंग देख पा रहे हो, चेहरा का रंग बदलना मतलब नर्वस हो जाना. नेक्स्ट फ्रेज है
चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है पूर्ण विवरण, डिटेल्स में एकदम। वर्स का मतलब होता है कविता का छंद, पार्ट, कविता का एक एक लाइन, उसे वर्स बोलते हैं। और चैप्टर मतलब आप जान ही रहे हैं, एक एक पार्ट को बोलते हैं चैप्टर। हर पार्ट का अगर एक एक छंद को पढ़े, पढ़ के किसी को सुनाया जाए, चैप्टर एंड वर्स, इसका मतलब आप उसे डिटेल्स में पूरा विवरण करके समझा रहे हैं। तो चैप्टर एंड वर्स इससे निकला हुआ है। नेक्स्ट है चेज रेनबोज। चेज रेनबोज का मतलब होता है असंभव काम करने की कोशिश करना। अगर आप रेनबो मतलब इंद्रधनुष को चेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू चेज रेनबोज, दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल टू डू। और असंभव काम करने की कोशिश करना बहुत ही आसानी से याद करना, इट्स इजी टू रिमेम्बर। चिक बाय जॉल। चिक बाय जॉल का मतलब होता है काफी नजदीक या सटकर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक माँ है जो अपने बच्चे को गाल पे किस कर रही है, और इस तरह से उनका बच्चे का गाल और जॉल, जॉल क्या होता है जबड़े को बोलते हैं हम लोग, तो वो दोनों बहुत ही करीब है। तो चिक बाय जॉल, ये बहुत ही दोनों गाल और जबड़ा दोनों बहुत ही करीब होता है, इस तरह से याद रख लीजिए इसको, चिक बाय जॉल। नेक्स्ट है चीव द कर्ड। चीव द कर्ड का मतलब होता है ध्यानपूर्वक या गहराई से विचार करना, ध्यानपूर्वक या बहुत ही गहराई से विचार करना। तो इसे कैसे याद रखेंगे, कर्ड का मतलब जो होता है सीयूडी कर्ड, एक सीयूआरडी कर्ड होता है, उस कर्ड का मतलब दही होता है, लेकिन सीयूडी कर्ड का मतलब होता है चबाना या जुगाली करना, जो गाय या फिर इस तरह के और भी जीव जैसे बुफालो और गोट, कोई भी जानवर जो जुगाली करते हैं खाना खाने के बाद अपने मुंह को इस तरह से धीरे धीरे चलाते रहते हैं अकेले में बैठकर, उस चीज को जुगाली करना है, चबाना बोलते हैं, कर्ड कर्ड बोलते हैं। चीव द कर्ड, अपने जुगाली जो भी उनके मुंह में होता है वो धीरे धीरे चबा रहे होते हैं, तो देखते होंगे जानवर को, जानवर को किसी भी बात का और प्रॉब्लम नहीं होता है, वो चुपचाप शांत होकर लगता है किसी ध्यान में मग्न होकर वो अपने मुंह को चलाते रहते हैं। इस बात पे कभी गौर कीजिएगा जानवर को देखकर। तो ध्यानपूर्वक या गहराई से विचार करना, इसे चीव द कर्ड का एग्जाम्पल दिया जाता है लोगों को, ये फ्रेज है एक तरह का, लगता है कि जानवर की तरह वो बैठकर जुगाली कर रहा है, सोच रहा है। तो चाइल्ड्स प्ले, बच्चों के खेलने का चीज, ऐसा खेल जो बच्चा भी खेल सके, चाइल्ड्स प्ले, आसान, बच्चा का खेल बहुत ही आसान होता है, चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान। दीज आर द 10 फ्रेजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड। आई होप आप 10 का 10 फ्रेज समझ गए होंगे। इसे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर ये वीडियो एक बार में लर्न नहीं हुआ हो आपको 10 फ्रेज, तो आप दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके देख ले स्पीड में। थैंक यू।